निवास श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर पर गोपाल अष्टमी का आयोजन किया गया, जहां गौ माता की पूजा हुई, वहीं भगवान विश्वनाथ को 56 भोग भी लगाया। मंदिर के प्रमुख श्री गोपाल शास्त्री ने बताया कि हर वर्ष श्री मंगल धार्मिक एवं परमार्थिक न्यास द्वारा श्री विश्वनाथ धाम मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन किया जाता है, किंतु कोरोना काल के मद्देनजर इस बार इस तरह का कोई भी बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, जहां भगवान को 56 भोग लगाने के साथ ही भजन कीर्तन और गौ माता का पूजन किया। आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाकर कई ग्रामीण भक्त मौजूद रहे। जो है दीपावली पर्व के पश्चात में जो है गोपाष्टमी का विशेष महत्व है और ये बड़ा विशेष पर्व है, और इसी उपलक्ष्य में जो है सदैव भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नार्थ जो है 56 भोग का आयोजन किया जाता है। आज गाय माता की भी पूजन किया है अभी आपने, क्या प्रसंग है इसका? गौ माता गांव में अग्रदा संतो, गांव में संतो पृष्ठतः, गौ माता जो है गावो विश्वस्य माता है, गाय माता जो है विश्व की माता है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है गौ माता का विशेष पूजन किया है, इसलिए सभी भक्तों को जो है गौ माता की रक्षा करना चाहिए, गौ माता का पालन करना चाहिए, गौ दुग्ध पान करना चाहिए, और विशेष करके जो है गौ माता का पूजन करने से जो है कई रोगों का विनाश हो। जी कोरोना काल चल रहा है, फिर से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में आप मंदिर पर किस तरह की सावधानियां बरत रहे हैं भक्तों के लिए? इस प्रकार से हम विशेष सावधानी की हमने जो बड़े प्रोग्राम जो रखे थे वो सारे स्थगित कर दिए, केवल यही भगवान का भोग लगा करके प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा है, ताकि जो है सुरक्षा बनी रहे और इस रोग से भगवान शिव जल्दी से जल्दी मुक्ति प्रदान करें। आपका परिचय? पंडित गोपाल शास्त्री विश्वनाथ धाम मंदिर।